सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि क्या सीन हुआ मेरे साथ। मतलब ट्रिप इतनी अच्छी गई और एंड ऐसा होगा, मतलब मुझे नहीं पता था यार, बहुत ही गंदा लग रहा है। और कल रात सीन ही कुछ ऐसा बन गया कि मैं घर की तरफ आ रहा था और मेरे सामने एक पिकअप चल रहा था, टेम्पो होता है जो छोटा वाला वो, और उसने एकदम से ब्रेक मार दिए मेन हाईवे पे। उसके सामने से नीलगाय बोलते हैं वो निकल गई, तो उसने एकदम से ब्रेक मारे और मैं उसको थोड़े से पीछे था, मैंने ब्रेक मारे तो वो गाड़ी नहीं रुकी एकदम से और सीधा जाके उस पिकअप में जाके सीधा लगा लेफ्ट साइड से। एंड मतलब मैं तो सेफ हूँ बट गाड़ी बहुत ही गंदी तरीके से टूट गई थी रात को। मतलब पूरी रात नींद नहीं आई, मैं आपको बता दूँ पूरी रात नींद नहीं आई कि यार एकदम से ऐसा सीन ही ऐसा हो गया, पूरी रात नींद नहीं आई। और अभी मैं जा रहा हूँ एक बार बैंक में और उसके बाद जाऊँगा मैं उसको कंपनी में, क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे को वो फिल करके आने हैं। तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ कि कहाँ पर गाड़ी लगी थी और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गाड़ी लगी थी रात इस कट पे। तो अभी जा रहा हूँ मैं MGF 18 सेक्टर वाले में, वहाँ पे छोड़ी मैंने रात गाड़ी। तो गाड़ी चलने लायक तो थी, मतलब उसका बांध के लेके गया था उसको मैं, ऐसे बम्पर उम्पर बांध के लेके गया था। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा यार क्या ही करूँ। मेरा नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बन रहा था कि मैं नेक्स्ट वीक निकलूँगा और मैं हिमाचल जा रहा था। मैंने यहाँ तक कि मैंने कोविड टेस्ट के लिए भी सब करके कन्फर्म करके और भाई अपना ई पास के लिए भी अप्लाई करने की सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट वीक निकल जाऊंगा, सब प्लान कैंसिल हो गया। और अभी घर वाले तो देखो क्या क्या बोलेंगे, बट हाँ ये ठीक है कि उनको मतलब मैं सेफ हूँ, मेरे को एक क्रॉच तक नहीं आई, छोटी सी कहते हैं इतना सा भी कुछ नहीं हुआ मेरे को गाड़ी में, और गाड़ी में मैं अकेला ही था। चलो चलते हैं, अभी एक बार मेरे को बैंक जाना है, बैंक में कुछ पेपर लेने हैं, उसके बाद मेरे को कंपनी में जाना है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं बैंक में। तो यार ना तो गलती उसकी थी ना मेरी थी, क्योंकि एकदम से उसके सामने भी नीलगाय आगे रोड से निकल के एकदम से, तो उसने उसकी वजह से ब्रेक मारे एंड मैंने भी, बट उसकी जो बैकलाइट होती है, ब्रेक लाइट होती है पीछे की, वो कोई सी भी नहीं चल रही थी जो मुझे पता लगा कि उसने एकदम से ब्रेक मारे हैं। रात का समय वैसे था। अभी हम पहुँच चुके हैं टोयोटा 18 सेक्टर वाले में, यहीं पे खड़ी अपनी गाड़ी, और अभी मिलते हैं उसके भाई से जिसके पास मेरी गाड़ी है। तो भाई अभी जा रहे हैं हम गाड़ी के पास, अभी देखता हूँ अच्छे से कितनी रात लगी थी और कितनी नहीं है। और ये भाई अपने मुश्ताक भाई है, तो इनको गाड़ी सौंपी है। कितने दिन लग जाएंगे भाई गाड़ी में? लगेगा भाई हफ्ता, इसमें अभी हफ्ता लग जाएगा। हाँ। बस जल्दी करवा दे फिर भाई, घूमने जाऊंगा यार, करवाता हूँ भाई गाड़ी। और भाई पहले भी एक बार आई थी गाड़ी के पास, तो भाई बहुत अच्छा काम करवाते हैं। मैंने तो रात इनको ही कॉल किया था, मैं भाई ऐसे ऐसे गाड़ी लगी, उन्होंने बोला टेंशन मत ले तू गाड़ी छोड़ दे और करवा दो। भाई ये गाड़ी किसकी है? तो काफ़ी ये खड़ी भाई, ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही लगी है रात को। हटाओ भाई डॉक्यूमेंट्स, हटा ले। तो कुछ ये गाड़ी लगी भाई, सारा इसका लाइट प्रोजेक्टर तो ये रहे भाई, सब कुछ टूट गया, किट तो बिल्कुल खत्म है, बोनट भी गया। तो भाई मुश्ताक ज्यादा तो ना काम जल्दी हो जाएगा ना? हाँ जल्दी हो जाएगा भाई, हफ्ते में दे देंगे। तो पक्की बात है भाई मुश्ताक? हाँ पक्की बात भाई, कोई दिक्कत ना है? ना ना हफ्ते में दे देंगे। गया है ऑफिस में, यहाँ पे कुछ साइन वगैरह करने हैं भाई, मेरे को फॉर्म फिल करने हैं कि गाड़ी कैसे लगी, कहाँ पे लगी, और लाइसेंस देना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो भाई अभी अपनी कॉल रेट फोटो कॉपी, तो ठीक है देखते हैं अभी आगे क्या होगा भाई। अब एक हफ्ते तक बिना गाड़ी के रहना है भाई, से हो गया काम कंप्लीट, सारा कागज सारे साइन हो गए, अब मिलते हैं हम एक हफ्ते बाद भाई। ठीक है भाई, चलाऊंगा बीच में देखने का, एक बार फोन कर दियो। थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रो। तो भाई निकलते हैं अभी जल्दी से, मेरे को घर पे वापस भी जाना है। तो यार ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, डन, क्या करें, एक हफ्ते तक बिना गाड़ी रहना पड़ेगा। बट हाँ तब तक मैं अपना शिफ्ट ये आना जाना करूँगा, बट इससे यार मैं घूमने नहीं जा सकता अभी, क्योंकि यार घर पे भी गाड़ी चाहिए, और अभी घर पे कोई भी गाड़ी नहीं होगी तो यार ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर पे भी गाड़ी चाहिए होती है, भाई को भी चाहिए होती है, इस वजह से मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकता। बट गाड़ी को बहुत गर्म हो रही है, बट सीरियसली यार मैंने तो अब देखा है गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा।
मतलब लाइट, फेंडर, बम्पर, बोनट और भाई किट, मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया है यार। यार क्या ही समझ में नहीं आ रहा यार, क्या ही सीन बनेगा इसका आगे। फर्स्ट टाइम मेरे से गाड़ी लगी है, सच बता दूं मैं, इससे पहले मेरे से गाड़ी ऐसी कभी, इतनी भयंकर गाड़ी कभी नहीं लगी। और होती रहती, थोड़े बहुत टच वच होती रहती है, बट इतनी गंदी गाड़ी कभी नहीं लगी मेरे को, मेरे से आज तक। अब लग गई तो लग गई। वो मुश्ताक भाई मेरे से बोल रहे थे कि भाई रोड पे गाड़ी चलेगी तो लगेगी, तो यार वो बात भी सही है यार, पर दुख तो होता है भाई, गाड़ी अपनी गाड़ी लगती है तो दुख तो होता ही है। देखो हाँ भाई, जब तक वो नहीं है तब तक इससे काम काटेंगे शिफ्ट से, पर देखते हैं। वैसे मेरे को जाना कहाँ है यार, अब मैं कहाँ, मन ही नहीं है मेरे तो अभी बाहर जाने का बिल्कुल भी। जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, अभी तक गाड़ी का वेट करता हूँ, गाड़ी आ जाएगी उसके बाद बनाते हैं फिर एक अच्छा सा ट्रिप, निकलते हैं। बट देखते हैं, इंश्योरेंस ने, इंश्योरेंस में कवर्ड है और इंश्योरेंस अपना सारा कुछ दे देगा मेरे को। वो पैसे वैसे की तो बात है ही नहीं कोई भी, ना मेरे को कुछ पे करना है, तो इंश्योरेंस अपना भी सारा पैसा दे देगा, वो तो क्लेम हो गया है। मेरे साथ ही इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? दो व्लॉग थे वो डिलीट हो गए, गाड़ी आते लग गई भाई, हद है यार, सीन समझ में नहीं आता। जैसलमेर गया था उससे आते ही गाड़ी टो होके आई थी, मतलब अलग अलग ही सीन हो रहा है मेरे साथ तो। और एक हफ्ते का वेट करते हैं, गाड़ी आएगी तब बनाता हूँ व्लॉग, तब नया व्लॉग बनाता हूँ। उसके अलावा शायद बीच में देखता हूँ, अगर कहीं जाना हुआ तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, अदरवाइज़ मेरा अभी मन नहीं है व्लॉगिंग करने का, सच बताऊँ तो। मैं ये भी बहुत ही मुश्किल से कर रहा हूँ कि आप सबको पता चले कि यार क्या हुआ था सीन। मतलब 10:30 बजे करंट गाड़ी, मेरी गाड़ी लग गई थी, टाइम हो रहा था 10:30। चलो अभी करते हैं व्लॉग एंड, हो गया सो गया। अब इसमें अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, ना अफसोस करने से वो ठीक होगी ना कुछ होगा, वो तो ठीक तो भाई अपने टाइम पे ही होगी, और एक हफ्ता उसको लगेगा ठीक होने में, क्योंकि सोया नहीं हूँ रात भर से। मतलब अपनी टेंशन सी थी दिमाग में कि क्या होगा क्या होगा, बट अभी उसने भाई ने मेरे को बोल दिया कि एक हफ्ते में गाड़ी मिल जाएगी। मेरे को लगा कि 15 दिन बाद गाड़ी मिलेगी मेरे को, बट उसने बोला कि नहीं भाई मैं तुमको हफ्ते में गाड़ी दे दूंगा, हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। और अभी जाके सोऊंगा यार, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज, आप आके देख रहे होंगे क्योंकि मैं मतलब अजीब सो रहा था रात भर से मेरे को। तो यार अभी व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें और